दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कुछ प्लेट्स के बारे में। ठीक है, हमने प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा। ठीक है, और उस प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ा कि जो हमारे अर्थ का क्रस्ट है वो लाए करता है कुछ प्लेट्स के ऊपर, यानी अर्थ का क्रस्ट जो है वो कुछ प्लेट्स के ऊपर लाए करता है। ठीक है, तो इसमें हम उन प्लेट्स के बारे में कुछ जानेंगे, उन प्लेट्स के कुछ नाम जानेंगे। ठीक है, तो वैसे तो देर आर 20 क्रस्टल प्लेट्स, उन्हीं प्लेट्स को हम क्रस्टल प्लेट्स बोलते हैं, आउट ऑफ विच 7 आर वेरी लार्ज। ठीक है, वैसे तो 20 प्लेट्स हैं, बट उनमें से 7 जो हैं वो बहुत ही बड़ी हैं। ठीक है, और मैंने यहाँ पे 9 के नाम दिए हैं, और उनमें से जो पहली 7 हैं वो बड़ी प्लेट्स हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट हैं, सबका नाम जानना मतलब वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, साथ ही है मेन जो जो पूछे जाती हैं। ठीक है, पहला द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, सेकंड द साउथ अमेरिकन प्लेट, तीसरा द यूरेशियन प्लेट, चौथा द अफ्रीकन प्लेट, फिफ्थ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, सिक्स्थ द स्पेसिफिक प्लेट, सेवन्थ द अटलांटिक प्लेट, एट्थ नास्का प्लेट, नाइन्थ फिलिपीन प्लेट। तो ये हैं वो प्लेट्स 7, जिसमें से सबसे बड़ी लार्ज प्लेट्स हैं और बाकी स्मॉलर स्मॉलर। ठीक है, बस इतने ही नाम लिखे हैं मैंने। अब इन प्लेट्स के बारे में कुछ जानकारी। दीज प्लेट्स आर सेपरेटेड बाई रिजेस, ट्रांसफॉर्म फॉल्स एंड ट्रेंचेस। इसका मतलब है ये प्लेट्स जो हैं, दो जैसे दो प्लेट्स हैं उनको सेपरेट करती हैं रिजेस। रिजेस यानी एक उभार होगा, माउंटेन जैसा स्ट्रक्चर होगा, माउंटेन सिस्टम भी को भी हम रिजेस कहते हैं, टीला होगा या उभार होगा, वो इन प्लेट्स को सेपरेट करेंगे, या ट्रांसफॉर्म फॉल्ट होगा, या ट्रेंचेस, बड़े बड़े गड्ढों को हम ट्रेंचेस कहते हैं, वो इन प्लेट्स को सेपरेट करेंगे। दूसरा पॉइंट है द प्लेट्स स्लाइड स्लाइड ओवर पार्शली मॉल्टन प्लास्टिक लेयर कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर, यानी कि ये जो प्लेट्स हैं, मान लो ये एक लेयर है। ठीक है, इस लेयर का नाम एस्थेनोस्फेयर है, इसके ऊपर प्लेट स्लाइड करती हैं यानी कि फिसलती हैं। ठीक है, और ये जो लेयर है एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर जो है ये पार्शली मॉल्टन है, यानी कि लिक्विड स्टेट में है, थोड़ी सी ये लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, मतलब पूरी लिक्विड स्टेट में नहीं है, कुछ पार्ट सॉलिड होगा कुछ पार्ट लिक्विड होगा। और एस्थेनोस्फेयर जो है प्लास्टिक बिहेवियर दिखाती है। देखो, दो टाइप के बिहेवियर होते हैं, एक होता है इलास्टिक बिहेवियर और दूसरा होता है प्लास्टिक बिहेवियर। इलास्टिक बिहेवियर क्या होता है, रबड़ है, रबड़ को खींचो वो वापस और छोड़ दो, वो वापस जैसा पहले था वैसा हो जाएगा। और प्लास्टिक बिहेवियर ये होता है जैसे कि हाँ, जैसे कि मैंने एक कुर्सी ली, मैंने उसको पत्थर मार के तोड़ दिया, तो वो टूट गई ना, वो वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं आए, तो ऐसे बिहेवियर को प्लास्टिक बिहेवियर कहते हैं, यानी कि जिन पे अगर फोर्स लगाओ और वो डिफॉर्म हो जाते परमानेंटली, अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आते, ऐसे बिहेवियर को हम बोलते हैं प्लास्टिक बिहेवियर। तो एस्थेनोस्फीयर जो है, अगर मैं उसको फोर्स लगाऊंगा तो वो डिफॉर्म हो जाएगी और वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं आएगी, इसलिए उस बिहेवियर को बोलते हैं प्लास्टिक बिहेवियर। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है एस्थेनोस्फीयर जो है वो लिथोस्फीयर के बिलो होता है। ठीक है, और ये दोनों लोकेटेड हो रहे अपर मेंटल में, और किस डेप्थ पे, 100 से 200 किलोमीटर की डेप्थ में, और इस जगह पे वेलोसिटी ऑफ सीयर वेव्स ड्रॉप टू मिनिमम, यानी जो एस वेव्स होती हैं उनकी वेलोसिटी यहाँ पे मिनिमम हो जाती है। ठीक है, और इसकी रेंज है 220 ± 30। ठीक है, किसकी, जहाँ पे एस वेव्स की वेलोसिटी कम हो जाती है। और लास्ट पॉइंट है प्लास्टिक बिहेवियर क्यों एग्जिस्ट करता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज प्रेशर एंड टेम्परेचर एट डेप्थ। डेप्थ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर होने के कारण इसका प्लास्टिक बिहेवियर एग्जिस्ट करता है। अब नोट्स दे देता हूँ।